कॉन्फिडेंस ग्रुप गोगॅसने नागपूरमध्ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्रातील आपल्या नवीनतम मोबाईलच्या लॉन्चची घोषणा केली आहे. यात 4 मॉडेल समाविष्ट आहेत, 2 स्कूटर आणि 2 बाईक्स. प्रत्येक मॉडेलला उत्कृष्ट कामगिरी, नियंत्रण आणि डिझाईन करण्यात आले आहे. एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर 80 ते 120 किलोमीटरची रेंज आणि फक्त 2 ते 4 तासामध्ये जलद चार्जिंगसह ही मॉडेल्स आकर्षक आणि टिकाऊ अनुभव देतात, जे सर्व वयोगटातील ग्राहकांना आवडतील. भारतात इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्राचा वेग वाढत असताना गोबाईक देशातील हरित परिवर्तनात एक महत्त्वाचा पाऊल आहे. लॉन्च इव्हेंटमध्ये कॉन्फिडेंस ग्रुपचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक श्री नितीन खारा यांनी पर्यावरणपूरक आणि प्रदूषणमुक्त ऊर्जा समाधानासाठी कंपनीच्या वचनबद्धतेवर प्रकाश टाकला. आमचा संपूर्ण व्यवसाय प्रदूषणमुक्त इंधनाचा प्रचार करतो. LPG, CNG आणि आता EV भर पडली आहे. कॉन्फिडेंस ग्रुपने नेहमीच पर्यावरणीय जबाबदारीला प्राधान्य दिले आहे, असे देखील खारा म्हणाले. भारतात 270 पेक्षा जास्त ऑटो LPG स्टेशन आणि बेंगळुरूमध्ये 40 CNG स्टेशनसह कॉन्फिडेंस ग्रुप वाहन उत्सर्जन कमी करण्यात आघाडीवर राहिला आहे. गोबाईकचे अनावरण हे कंपनीच्या हरित ऊर्जा दृष्टिकोनानुसार सोल्यूशन देण्याच्या प्रवासातील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. सर, खुशी तो काफी है. हम लोग ये ई बाइक लेकर के आए हैं, जिससे नागपुर हमारा होम टाउन है, तो नागपुर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. बैंगलोर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है. नागपुर में आज हमारे 3 एक्सपीरियंस सेंटर हमने ओपन किए हैं और जहाँ जहाँ कंपनी के खुद के पेट्रोल गैस पंप्स है वहाँ पे हमारे एक्सपीरियंस सेंटर्स ओपन होंगे. एंड वी आर कमिंग अप विद द 4 मॉडल्स, 2 ऑफ द बाइक्स एंड 2 आर फॉर द हाई स्पीड व्हीकल एंड लो स्पीड व्हीकल. प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं. सर, खासियत हमारे प्रोडक्ट में हम यही बताएंगे आपको कि एक तो कॉस्ट, हम लोगों ने जो है कंपनी के बड़े बड़े शोरूम सेंटर्स में ना जाके वी आर गोइंग अहेड विद द एक्सपीरियंस सेंटर्स wherein we can save a lot of cost, unnecessary expenses. उसको हम लोग इकोनॉमिकल कॉस्ट में जनरल पब्लिक को ये प्रोडक्ट दे सके. बाइक आपने देखा होगा सर, इंडिया में काफ़ी कम है इलेक्ट्रिक बाइक, इसमें हम लोगों ने दिया है. एंड वी आर द फर्स्ट वन हु इज गिविंग यू द हाई स्पीड बाइक्स. हमारी गाड़ियाँ जो है बाइक 150 किलोमीटर रेंज प्लस की मिलेगी आपको. एंड ऑल आवर व्हीकल्स आर अप्रूव्ड बाय ऑल द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ARI एंड एवरीवेयर. सर, बुकिंग वेरी इजी है. आप हमारे जो भी एक्सपीरियंस सेंटर्स है वहाँ जा करके अपना टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, गाड़ी की पूरी डिटेल देख सकते हैं, कलर्स चॉइस कर सकते हैं एंड आप पेमेंट दे करके बुक कर सकते हैं. व्हीकल्स आर अवेलेबल विद इन अ वीक डेज डिलीवरी. सर, हम ऑलरेडी LPG में बिजनेस में हैं और साथ में CNG बिजनेस में है, जो कि पर्यावरण अनुकूल बिजनेस है. उसी में हमारा ये एक और छोटा सा कोशिश है जिससे पर्यावरण के लिए हम कुछ कर सकें इंडिया के लिए. सर, EV का बहुत बहुत बड़ा मार्केट है. हमारे माननीय नितिन गडकरी जी ने भी कहा है सभी से कि धीरे धीरे EV जो है पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस कर देगा. हमारे इंडिया में अभी इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अवेलेबल होते जा रही है. इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सोलर से जनरेट कर रहे हैं, तो इन गाड़ियों को चलाना और इन गाड़ियों को चार्ज करके ऑपरेट करना एक बहुत बहुत सस्ता कंसेप्ट है ये. सर, चार्जिंग स्टेशन हमने जैसे कहा, हमारे जो एक्सपीरियंस सेंटर्स है वहाँ पे भी हम लोग जनरल पब्लिक के लिए चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं पेमेंट बेसिस पे, टाइमली बेसिस, 10 मिनट 15 मिनट जिसको जैसे चार्ज करना है. एंड सर्विस स्टेशन हमारा प्लान है कि भाई हर 3 शोरूम के बीच में, 3 एक्सपीरियंस सेंटर के बीच में हमारा एक सर्विस सेंटर रहेगा. हमारा वेयर हाउस छोटीपुरी में है. थैंक यू. आवर फादर बेसिकली अंकल दैट स्टार्टेड दिस कंपनी विद LPG सेगमेंट. अलोंग दैट लेटर ऑन वी हैव गॉन टू CNG सेगमेंट. We currently have 375 stations as retail outlets pan India in 26 states. So it was brainchild of Nitin sir that आज हम EV segment में हम आगे बढ़े, because we already have that asset in our hand. हमारे पास में हमारे EV stations है, जिसकी वजह से we can give better service than the showroom concept. A problem is के in Ola और इन TVS और इन अदर कंपनीज व्हाट दे डू इज वो एक सिटी पकड़ते हैं, वहाँ एक शोरूम खोलते हैं. हमारे पास में जैसे नागपुर ही नागपुर में देयर आर 15 रिटेल आउटलेट्स. हम लोग ने शोरूम कॉन्सेप्ट में ना जाते हुए हमने एक्सपीरियंस सेंटर्स बनाए हैं. हमारे पास में जैसे बैंगलोर में आज की डेट में 40 CNG स्टेशन है.